क्या बात, ठीक है उस समय क्या बात थी कल जब सर पढ़ा रहे थे, सर पढ़ा रहे थे तो क्या बात थी? अरे पहले उनसे तो पता करो कल फोन किसके भी हाफ पे करा था, उन्हें भी बुला लो। हैं जिसने बोला नहीं, जिसने मारा उसने तो कुछ कहा नहीं, वो दूसरे से फोन करवा रहा है कि मेरी तरफ से सॉरी बोल। हैं किसने कहा फोन? हैं आया इनके पास फोन आया? हाँ मैंने फोन पर लाइन पर लेकर बात किया। किससे? इनसे। मैंने कराई और किसी ने आपको गलत मार्गदर्शन किया? मेरा तो भांजा है अंकल, मेरा मेरा भी भांजा ही है वो। अच्छा बस तो आपको पता नहीं, मेरा भी भांजा ही है वो। अच्छा अच्छा इधर लड़े हो आज बनते हैं मैं पीछे हूं मैं बुला दे आप उनको बुला लो तो मैं भी आज आप उनके पीछे पीछे चलो बैठ लो मैं कह दूं तो यार कॉल करना तो कुछ है भी नहीं, मना तो कर भी नहीं सकती हूँ। इसने पीटा तो ठीक है। तो धीरे इतना बोलता है कौन से लेवल पर आ रहे हो आप? डिसेंबर में आपका कौन सा लेवल है आपका? लेवल टू सर्जरी होगा होगा तो ब्रेक की वजह से ऊपर से चार्ज पड़ती रहती है ऊपर और हम पर वो कह रहे हो कुछ टेंशन आगे ही पढ़ेगी नाइन्थ में हम लोगों को करेंगे सर से ही मैं ये कहूँगा आज का ऐसा संदेह है गलती नहीं हुआ मुझे हमें नहीं पता मार कैसी होती है पर मारने का तरीका होता है। अगर 1% इसकी बोल लाल हुई बड़ी है नीली हुई बड़ी अगर ये आदमी आप रात को देखते तो आपका खून बोल रात की वीडियो है ना वो दिखाओ आप लोगों से पहले मैंने चेक माइस्टर हमारा बड़ा अंदर ने बताया कि मैं आपके पास आया हूं बच्चा आया है मेरा गलती से दो बार बच्चे ने आपका हाथ चला लिया जब प्यार से करवाता है यहां से तो टूट गया बच्चे हां हम तो मां बाप है हमारा क्या हाल होगा निशान पड़ जाता नमस्ते थोड़ा बहुत और आगे पीछे होता आप ही निकल जाते जल्दी बना ले उसे ये तो रात से अभी तक इतना टाइम हो गया नाम है इसका नाम बता फट जाएगा गा ऐसा लग रहा था तो मुंह पे बाकी हमारे बिना पीछे के गलती होने के बाद में उन लोगों का उस चीज का समाधान कि हम और आप ही कर गया है इसको कोई तीसरा आदमी तो कर ही नहीं पाता। अच्छा ठीक है आइए सर ना आपके लड़के ने तीसरा बार तीसरा लड़के हो सर मैं तो भाई साहब जानकारी हूँ किसका है बोले बेटा वो अभी सर के सामने की गहरा गहरा पहले लड़ाई पड़ते हैं तो क्या नाम है बच्चे का बुलाऊंगा सर के सामने की बच्चे को तो बोलने दो यार बेटा बता सुन हैं सर सुन बताओ आपका जो पेपर कर रहे थे आप अच्छा आपने अपने टीचर को बताई थी बात उन्हें हाथ छोड़ दिया था आपने टीचर को बताई थी क्या क्लास टीचर को क्यों नहीं बताई बेटा अरे बेटा जब हाथ छोड़ गया तो क्लास टीचर को नहीं बताया गया क्लास टीचर आए उन्होंने लड़ते थे उसके बाद इसको
यार क्या कर रखा है ऐसा, वही तो कह रहे हैं कि अगर सर के सामने की लड़ाई बढ़ने दो, मैं अपने बाप को भी बुला लूंगा क्यों पिटवाने के लिए उसे भी आ जाएंगे। आज भी है करण, कभी पाजी वाजी ये सब मारते, कभी ऐसे भी मारा है बताओ? बाहर वाले मार रहे हैं मोदी जी से लिंक तो नहीं है उनका? कभी वो कह रहे हो कि हाँ लिंक है मेरे मोदी जी? ऐसे लगता है सर्वर को भारी बोल लो अंदर आ दो क्या बात है। करण का मामा यूट्यूबर है, पता है नहीं पता सर को आज है रोड रश इधर वो खड़ी गाड़ी इधर पीछे, आज इस सर को घसीटेंगे तुम्हारे सबको मारते हैं क्या ये? आज इसकी बहन की चूत देखो आज ये कितना पिटेगा, सारे ताली बजाना मगर चलो अबे वो बहन के लंडे तू इसे चमकाऊंगा पड़ता। हाँ इसे बोल दो तू भी जरा हल्के में रह, इसे भेज ही दो, मैं तो कह रहा हूँ इसे बुलाए क्यों है, उठा लेंगे यार। ना 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 तो भाई जरा टाइम देखा देता हूँ, ये देखो भाई 2:10 हो रहे हैं और पता नहीं भाई हम 1 से आ रखे हैं। देखिए मैं आपको बता दूं, मैं भी इस स्कूल का विधायक प्रतिनिधि हूं, मैं मेरा बच्चा भी पढ़ता है, लेकिन मैं जो चीजें ठीक नहीं है वो ठीक वहाँ बैठो तरीका, ये तरीका ठीक नहीं है, आप बैठो भाई। नहीं नहीं भाई साहब, अगर या अगर नहीं आपको यहाँ खड़ा होना तो आप फिर गेट के बाहर जाकर चलो है ना, लेकिन तरीका वो नहीं है भैया, हम डिसिप्लिन को बिल्कुल भी खराब नहीं करेंगे। गाड़ी हम लगाते ना यहाँ पर बैठते हैं यार, अंदर एसी एसी तो है नहीं है भाजी, ले आओ यहीं पे। ये गलत वे में ले गए कि हम लेने जा रहे हैं, नहीं लेने जा रहे हैं हम, थोड़ी लेने हम लेटे थोड़ी आए हैं यहाँ। अरे जाना ही तो पता था, ये गल है अपना अंदर के गल करने आ गए। हाँ चलो गाड़ी ही खड़े ले आओ गाड़ी, यहाँ लगा के एसी में बैठते हैं, हम क्यों परेशान हुए बताओ, यहाँ ले आता हूँ ना, लाए किस ले यहाँ लगा के बैठते हैं अपन। वो कहेगा यार गलत तबियत का फेल दिया, बड़े सारे मामा है इसके तो एक मामा तो क्लास से उठा रहे अरे कहीं नहीं जा रहे हैं, अंदर गर्मी लग रही है, अच्छा नहीं लगता, अंदर गर्मी सी लग रही है इसलिए यहाँ चलो कहीं नहीं जा रहे बैठे हो तुम। अरे हम भी गलत करेंगे, बच्चा ले गए बुलेट है वो कह रहा ब्रुम ब्रुम ब्लॉग आपका ही है, मैंने कहा वो भी हमारा, मैं कह रहा भैया अर्शद की कोई गलती नहीं थी, उसका अर्शद अच्छे क्रम का नाम अर्शद, वो हम भी यही काम करते थे, पेरेंट्स आते भड़काने वाला है बेंच मास्टर का, मैं कह सबको मारते, कह रहा सबको मारता है भाई वो, अगली बार बच्चों को आगे पूछ लिया वो साले यहाँ नहीं बोलेंगे, लेकिन ये है यहाँ आके नहीं बोलेंगे बच्चे। हाँ लेकिन हमारे टाइम पे एक था थी उसकी हिम्मत, देखते हैं ना क्या कहते हैं भाई, उसकी हिम्मत नहीं हो रही आने की। हाँ वो आएगा भी नहीं है, बुलाना तो है ही, बुलाएगा साला गलती तो माने। अब ये बुला नहीं रहे थे हमको, लेने गया वो पीछे, बच्चा कह रहे बैठा हुआ है। हाँ बैठा हुआ, अरे ऐसे सिचुएशन में पढ़ा कौन पाता है, और यूटी हमारे टाइम पे कोई 1% आज छुट्टी पे होता, जो मर गया होता है वो अटेंड नहीं कर रहा था, सबसे पहले उसे यहाँ भेजना चाहिए था। हाँ तो यार कोई तो मैं कह रहा हूँ हमारे टाइम पे कोई कीमत नहीं है,
दो मिनट अंदर बैठो। चलो सब कह रहे हैं बैठ जाओ। बच्चा आपकी क्लास का है? सर मैं मैथ पढ़ा। बेटा खड़ा और बता जरा क्या बात हुई इधर। आप यहाँ से बता दो। आपके साथ हूँ हमेशा आपके साथ ही घर से। याद में बच्चे स्कूल भी रहते ना, छह घंटे घर पे स्कूल में रहते माँ बाप के बाद भैया। बिल्कुल हम ही होते हैं, हम ही ये पेरेंट्स हैं, ये माँ बाप। पहले तो पहले गुरु तो माँ बाप के, मतलब माँ बाप से भी बड़ा दर्जा होता गुरु का। हम दूसरे नंबर पे आते हैं सर। हाँ चलो आप बताइए सर। चलो बच्चे ने को बता दिया, ये तीन बार मैंने से समझाया कि सर को बोलते हैं बातें कर लेते हैं। मैंने बेटा मैं पहले क्वेश्चन में से बताया कि ध्यान देना है, इसे लिखना सर। यहां जो क्वेश्चन बता रहा हूं उसे लिखना, ध्यान देना। इन्होंने इग्नोर कर दिया, कोई दिक्कत नहीं बच्चा। फिर मैं तीसरे चौथे क्वेश्चन पर पहुंच गया, ड्यूटी करा रहा था, ड्यूटी सॉल्व करा रहा था, पता ड्यूटी सॉल्व करा था ना, ड्यूटी का जो पेपर था वो सॉल्व करा रहा था, पेपर उसे हल करा रहे थे ना। हां पता तो है। अब पांचवी क्वेश्चन पे पहुंचा, फिर भी ये अरे वो बच्चा पतला था, फिर भी एक दूसरे बातें करते रहे, एक दूसरे को मिलते रहे। फिर मैंने कहा बेटा आप इस क्वेश्चन को ध्यान से दे लो, पढ़ाई नहीं कर रहे हो, न नोट कर रहे हो, न कुछ कर रहे हो, एक बार देख तो लो इधर। फिर मैं करते करते आठवें क्वेश्चन पर आ गया जो किसी बच्चों को नहीं आता था। फिर मैंने कहा भाई बच्चों को बताना पड़ेगा जो ध्यान नहीं दे रहे दोनों बच्चे। मैंने इस क्वेश्चन को आपको करना है, मैं इसको सॉल्व करके बता रहा हूँ। इसको कहा इसको कहा फिर ये दूसरा बच्चा बोला सर इससे पहले तो मुझे मैं कोई साइन कर देना चाहता हूँ। सर मैं कहा था ऐसे जाएगा आपको, ये सर बता रहे सर ने आपको समझाने के लिए कहा था, ऐसे कहा था कि अब तुम करोगे इस क्वेश्चन को हल करोगे। आठवें क्वेश्चन में आया था ना, आठवां क्वेश्चन हल करने के लिए मैंने तो फिर बताया उसे, तो आया समझ नहीं आके खड़ा हुआ कि तुम कब से कैसे समझ में आएगा जब तुम इधर ध्यान ही नहीं दे रहे, तुम आपस में बात कर रहे हो और एक दूसरे को गिर रहे हो, ऐसे नहीं कि खड़े होकर गिर रहे, बैठे बैठे ऐसे कैसे कैसे गिर जाओगे। सर तो गलती दोनों की, तो फिर दोनों को यही बात कर रहा हूं, एक पे क्यों उतार उठाने का। यही बात है अभी बात कर रहे हैं, अभी कौन सी बात कर रहे हैं, जो सर बता रहे हैं यही बात थी, जो बात थी सही कह रहे हैं ये बता, हां या ना। क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाया, सर ने पूरा यही प्रोसेस कहा है कि तुम बातें करो इसलिए तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए तुम करो सवाल। तो यही बात थी इसलिए, और पहले बोला कि आप इसे तुम करोगे पहले मैं हल करके दिखा रहा हूं। सर आपके थप्पड़ मारते हैं, थप्पड़ मारने के बाद आपने बताया कि सर ने कहा था ये थप्पड़ अपनी मम्मी को दिखाना, सर ने ऐसे कहा? मैंने ऐसे कहा कि थप्पड़ भी कहा है, आप अपनी देखो जो तुम कर रहे हो अपनी मम्मी को जाके बताना कि सर ने मुझे कहा है उन्हें बुला के लाना, सर ऐसे बोला। नहीं फिर तो यही सर यही कहा होगा, मम्मी को दिखाना है उससे में यही निकला होगा। उसके बाद बाई मिस्टेक मुझसे गलती हुई है, मैं अपनी आप लोगों से क्षमा आगे प्रार्थी हूँ, माफ प्रार्थी हूँ, आगे ऐसा कभी सर देखो माफी बात अलग है, आप गुरु मानते हो हर बार करूँ पिटे हम भी हैं स्कूल में बहुत पिटे हैं, इस तरीके से मैं नहीं पिटा आज तक जिंदगी में, ये भाई हमारा दम मारने का और धमकाने का और उसको चटनी करने का तीनों में फर्क होता है। बिल्कुल सही बात है सर, तीन बार मैंने इसे वार्न किया। मेरे एक छोटा सा बताना, अगर उसकी आंख खुल जाती है जो बह रहा है तो क्या करते हो आपकी सॉरी शावर ठीक नहीं हो पाता है, मैंने कंप्लीट बच्चे को रोटी नहीं खाई उस टाइम पे, इसके उछला जरूर था कि इतना बड़ा ओडी। चलो मैंने मान लिया, उसको समझ नहीं आता। आप अभी पांचवें क्वेश्चन रहे, आठवें क्वेश्चन पे पहुंच गए, आपकी बात बड़ी कर रहा हूँ कि मैं पांचवें क्वेश्चन में समझ आया, फिर मैं आठवें पे आ गया, जो किसी बच्चे को नहीं आता था आप गलती किसकी है, पूरी क्लास को पिटना था आपको, फिर वही बात आप आठवां किसी बच्चे को नहीं आता था, पूरी क्लास आठवां
क्वेश्चन किसी को नहीं आ रहा, सबको मारते हैं बराबर इसी तरीके, पूरी क्लास को मारते अग्रेसिव होकर बात नहीं होगी भाई। सुनो यहाँ हम लड़ने नहीं आए, अपने अपने टोन को थोड़ा सा शांत रखो भैया। आपके टोन ठीक नहीं है भैया, आपके टोन ठीक नहीं है। अगर आप किसी का, अरे भैया मेरा गाला के बाद पता ही नहीं है अभी तक, इसलिए टोन में नहीं, टोन टोन ठीक करो, टोन ठीक करो भैया। यहाँ लड़ने नहीं आ रहे हम यार, आप तो धमका धमकी नहीं, आप शांत, आप जोड़ के बिंदी, ये मेरा बच्चा है, आपको पता नहीं, ये भी मेरा ही बच्चा है। जब हम बच्चों के नखून कटवाने चाहते हैं कि हम बच्चों के किसी के नखून नहीं होते, तो टीचर के नखून क्यों होते हैं बच्चों को मारने के लिए? बैठे हुए हैं, मैं एक निष्पक्ष बात करूंगा। मास्टर जी पिटाई हमने भी खाई है, आप पढ़ते रहोगे आपने भी खाई होगी। यहाँ देविंदर सर बहुत सीनियर टीचर हैं, आईपी सिंह सर कम से कम मेरे ख्याल 20-22 साल हो गए, लेकिन हमारे बच्चे भी पढ़ते थे, उनके बच्चे और बच्चे भी पढ़ रहे हैं, उनके पोते भी पढ़ा रहे हैं उनके हाल में, बड़ी बड़ी घटना है। लेकिन मास्टर जी कहीं ना कहीं देखिए, जाने में हुआ हो अनजाने में हुआ हो, लेकिन गलती आपसे हुई है। बच्चे के चेहरे पर जो निशान आ रहे हैं, ये उंगलियों के निशान अभी भी देखिए छप रहे हैं, कम से कम भैया लगे हैं बिल्कुल। और रियलाइज इस चीज को आपको करना पड़ेगा, आपको मानना भी पड़ेगा। और देखिए ये जो बच्चा है, चलो हम लोग हैं, ये मेरी छोटी बहन है, ये भी मेरी बहन है, वो बैठी हुई है, और शुरू से लेके आज तक, और ये परिवार इतना सोशल परिवार रहा है, सारे दिन समाज के बीच में काम करने वाला व्यक्ति, अगर कहीं इनकी अगर मम्मी होती ना, बहुत बड़ा विषय बन जाता, बहुत बड़ा इशू। कांग्रेस की बहुत वरिष्ठ नेता रही है वो, पर मास्टर जी मेरा कहना ये है कि ये बच्चे बड़े हमें आप ये संतुष्ट कर लो इनको, ये उनकी माँ बैठी है, ये मासी बैठी है, वो बड़ी मासी बैठी है ना, मामा बैठे हैं, वो माँ वो बैठे हुए हैं इसके मास्टर। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, जीवन में थोड़ा सा देखिए, लेकिन अगर उनको कहीं सफल बनाना है तो अध्यापक का काम, लेकिन अगर अध्यापक अगर इस तरह के निशान देंगे तो उनके माँ बाप बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर इसकी जगह प्लट का सोचो, अगर आपके बच्चे को इस तरह से मार देगा तो आप क्या प्रतिक्रिया देंगे? आप भी वैसे हो, जैसे वो गर्म हो रहे हैं, वो गर्म हो रहे हैं, सबको गर्मी, बिल्कुल क्यों ना आए, मुझे बताओ क्यों ना आए बेटा, उसका आना भी था। मास्टर जी इस चीज़ को आप देखो क्या करना है, क्योंकि प्रिंसिपल साहब यहाँ बैठे हुए, इससे स्कूल का नाम बदनाम होता है, इससे स्कूल की बदनामी भी होती है। मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप इसका पता चेक करो, क्या करना है, अरे सुनो, क्या आप अपने प्रिंसिपल साहब को ये लिखकर आप दे सकते हो कि जी आज के बाद से जो गलत करने वाला है उसकी वजह से सर गलत तो नहीं कर रहा हूं, दीपक नहीं मारो, और हम ये नहीं कह रहे, हम ये नहीं कह रहे कि आप बच्चों को डांटिए मत, ये तो तय है जो अपने टीचर से पिटा है, जिसने अपने टीचर की मार खाई है उसने जीवन में कभी मार नहीं खाई, ये बात तो तय है। मैंने भी खाई, मैं बता रहा था, मेरे तो इतने बाल उखाड़ दिए थे ओम प्रकाश तेजपाल जी ने, लेकिन मैं फिर भी चरण छूता था उनके। लेकिन सवाल ये जो उठता है, वो समय अलग था, आज समय अलग है, आज के बच्चे बर्दाश्त नहीं करते हैं। आजकल के बच्चों को मिलता क्या खाने के लिए, मुझे बताओ ना आप। तो मास्टर आप स्कूल के हमारे आप इसमें जो भी एक्शन लेना है, आप
नहीं मैंने भी नहीं पढ़ा है, बहुत अच्छे हैं आप, कितने दिन की, आप दो तीन साल तो हो गए उनके साथ, आपको कमी निकाल ली है ऊपर, तीन साल हो गए ना भी इनसे पढ़ते हैं, लेकिन तीन साल में पहली बार ये विषय है, पहली बार मैथमेटिक्स की चोट तो लगी बच्चे में दिख रहा है, डिपार्टमेंट है सबको 8वीं से लेकर 10वीं तक की, तो थोड़ा मैथ में सर स्ट्रेस फील कर रहे हैं, तनाव फील कर रहे हैं, देखो सर अपने हाथ बच्चे को गले लगाओ और सर इसको देखो इसके सर में आ जाएगा तो बच्चे का मेरा बच्चा है वहाँ से दिख रहा है कोई दिक्कत नहीं सर, तो आप कह रहे हैं सर तनाव में थे, टीचर ही तनाव में रहेगा, बच्चे कैसे तनाव से भर रहे हैं, 2009 और 10 में ना मैं सुरमल विहार स्कूल में था जो BNPS के सामने है, आप मारपीट का खौफ कह रहे हो सर, सिंह सर थे पीटिए, लेकिन बात सुनिए सर, कुछ एयर लो आप खड़े, मैं आगे बात बता दूं, यहां के सर, अरे बैठो, 2009 और 10 सर थे पीटिए, उनको मारने की जरूरत नहीं पड़ती थी, अगर वो ग्राउंड में आ जाए ना पूरा ग्राउंड खाली हो जाता था, एक्चुअली क्या है सूरजमल बिहार जैसे स्कूल हुआ तो वेल एजुकेटेड बच्चे हैं, छठे हुए बच्चे हैं, यहाँ बच्चों को इतना माहौल नहीं है, हमारे NSA कॉलोनी और भीकम सिंह कॉलोनी के बच्चे हैं, मम्मी भी काम कर रही है, पिताजी भी काम कर रहे हैं, बच्चे का इतना घर पे केयर भी नहीं हो पाती, नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है सर, उसका माहौल भीकम सिंह के बच्चे हैं, मैं भी वहीं गाँव में वहाँ जा रहा था पढ़ने, क्या नहीं है सर आज हमारे पे, ये तो बताओ पहले, हमारे टीचरों को विवेक बिहार भेज दीजिए, सूरजमल बिहार दीजिए, यहाँ से टॉप सर मैं 8th क्लास तक भारत नेशनल पब्लिक स्कूल में पढ़ाऊँ और 4 साल गवर्नमेंट में पढ़ाऊँ, 2 साल मैंने सूरजमल में निकाले हैं और 2 साल किरण विहार, लेकिन प्राइवेट से ज्यादा अच्छे गवर्नमेंट स्कूल है, सही बात है, और खौफ की बात करें मारपीट से खौफ नहीं होता सर, पूरा जो सुधार है ऐसा नहीं है, आप हम आए थे तो हमने देखा, ये इस बच्चे का बड़ा भाई है, ये करने के बाद में बच्चे रोते नहीं थे, मामा 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 है, 2011 में ना किरण विहार स्कूल का और यहाँ का हाल एक जैसा था, जितनी बच्चों की बदमाशी यहाँ चलती थी ना उतनी किरण विहार में चलती थी, हम प्राइवेट स्कूल से गए हुए वहाँ पे अच्छी खासी पढ़ाई लेके आए, जो था हमारे यही आ गए, माहौल तो आजकल किरण विहार जाता था, स्मार पढ़ने वाले अच्छे चाहिए और पढ़ाने वाले अच्छे चाहिए, माहौल तो अपने आप सही, संस्कार उनके बच्चे हमें स्कूल टीचर अभी तक जानते हैं, व्हाट्सएप पे कनेक्टेड है, प्राइवेट स्कूल का 8 साल निकाल के 8 साल के टीचरों को नहीं जानता जो मैं 4 साल के टीचरों को जानता हूँ, गवर्नमेंट के सारे स्कूल कनेक्टेड हैं, सारे बच्चे ऐसे नहीं है, हमारे बच्चे भी बहुत आगे निकल के गए हैं इसी दूसरी बात लोग आजकल ऐसा कुछ नहीं जानता, आप उसका भी एफिडेविट से एडमिशन करा देते हो तो क्या वो 8वीं के लेवल का हो गया बच्चा, वो बात में अब कहीं और जा रही है लेकिन यहाँ बात कुछ और हो गई नहीं, मैंने आपके ले लो पॉइंट चेक कर दिया था, एफिडेविट के भी हफ्ते स्कूल में ले लेते हैं क्या, बच्चा कैपेबिलिटी अगर नहीं रखता है ना उसकी क्लास की, अगर स्कूल से रख रहा है तो एडमिशन इसीलिए होता है और क्या, एफिडेविट पे ले कौन रहा है, बच्चा तो इंटरेस्ट लेगा जब हम इंटरेस्ट लेंगे तो मैं एंट्रेंस को सब्जेक्ट में, और बच्चे को मारने पीटने कॉर्पोरेट पनिशमेंट तो मतलब टीचर भी नहीं मानना चाह रहा, पनिशमेंट का सिर्फ डॉक्टर चीज का समझा, मैं भी कभी जाता हूँ बच्चे को धमका देता हूँ, मेरा ऐसा नहीं रहता कि मैं सीट पर ही बैठा रहता हूँ, तभी तो आपके पास है पता था कि मैं सीट पर नहीं बैठा रहता, मैं कोई भी कॉर्नर नहीं है स्कूल का जो मैं दो 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 तीन बार या 4 बार मिल जाता वॉच करने, तो ब्यूटी अच्छा, और टीचर पर एकेडमिक से अलग नॉन एकेडमिक इतने फंक्शन हो गए हैं कि एकेडमिक का तो पॉइंट मुश्किल से छुपाता है, नॉन एकेडमिक वर्क है, हरिमोहन चौधरी बच्चों पर जातिवादी सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, बच्चों को टीका लगाने को मना करते हैं, पूछो
ये गलत बात है, क्या चल रहा है क्या चल रहा है ये सबके बुरे हाल है। वो तो बनी हुई है। अरे अगर मैंने कोई बर्ड बोला हो ना क्लास ये होता है लंबा तरीका हम ना बातें कर रहे हैं बता बता। तो सर कह तो मैंने सर आप छिल तो मेरे सर में दर्द है तो कह रहे ये क्यों ना छिल लूं क्योंकि मेरे को खाने को दे रहा है तेरे बाप स्कूल के डिप्टी चेयरमैन होंगे अपने लिए होंगे मेरे लिए नहीं है कह रहे मैं सरकार में मेरा मेरा कुछ नहीं। टीके को लेकर क्या बात हुई? टीके को और घड़ी को मना करते हैं सर। तेरे से बोला आज तक कुछ? हाँ सर मेरे को ही कहा था नहीं टीका लगा के तो पूरी क्लास में विद्यालय में खड़ा विद्यालय में बोझ के लिए भी सारा मना करते हो। टीके को सर मुझे ही कहा था आज तक नहीं बोला आज तक नहीं कभी भी तेरी तो मैं बहुत मेरे पास विद्या है पापा के लिए कैसे बोला भाई सही बात है पापा के लिए चोट अरे जवाब तो दे जाओ पापा पापा के लिए बैठ जाओ आंटी आप सारे नए आए हुए बच्चे वो सारी चीजें ट्राई करके देख रहे हैं। सर बुरा मत मानना देखो अभी आपके कपड़े देखो और एक बार आप उन्हें खड़ा करके देख लो आपको कपड़े पता चल जाएंगे एक मिनट में। एक आपका भी तो ड्रेसिंग सेंस है कितना सही है ड्रेसिंग सेंस नहीं है कुछ नहीं है नए लाए हुए हैं तो हमें ले लो पढ़ा लेंगे। अब फादर वादर के बारे में बोलना कोई वो है यहाँ तो हमें कोई बोलते हमको तबूत भेट देते हैं। एक बात ऐसे लड़ा जाता है हम यहाँ पे चार लोग बच्चे बात कर रहे हैं बैठ के कोई नहीं भैया आपने तो जीत लिया है यार इन भैया ने सही स्टैंड लिया है ये बहुत जेन्युइन है यार दिल खुश कर दिया इन्होंने ये अभी तो मारता पकड़ के स्कूल का टीचर है ये वो भी स्कूल का टीचर है हाँ तभी तो कह रहा तू आज तो बोला ये बहुत सही डेंजर टीचर है अब आंटी बाहर लग रही अरे उसको शांत करो अरे भाई ये बहुत जेन्युइन बंदा है ये धर्म के लिए पक्का हिंदू अब पता नहीं है या नहीं है पर इसने सही बाजी का होंगे क्या मतलब
पानी चाहिए क्या? हाँ ठंडा पंजी। अरे बुरा फ्रिज है, निकाल ले। भाई साहब ये बंदा बहुत जनरल, दुनिया तो हवाबाजी के हिंदू है ये असली। प्रिंसिपल कह रहा था नहीं सही करा भैया, बहुत बढ़िया दिन जीत लिया आपने। ये तुम्हारी भांजी है? हाँ अरे अच्छा, अरे फिर तो इनकी सट्टी पट्टी गुल हो जाती है अभी। मैं था। मैं कर दूंगा अभी। सही बात है, देखा भाई पावर ऑफ द प्रेस। अर्जुन लो अभी हमारा मैटर होता है, गेट बंद करते हैं, एक तो आ जा रहा है इधर आना। मैं तब तो कह रहा हूँ वो आंटी देखी सही कर रही है भाई, वो भाई बाप आपके लिए कैसे बोल रहे हैं। अबे हमारा आप लिंक लिंटर नहीं सही और क्या खत्म है। अभी एक और नया किस्सा खेलने वाला है, इसका भी देख लेंगे। टीका पीका लगाने के लिए मना कैसे कर रहा है? नाम पूछ लेते ना, नाम से पता चल जाता। अभी मोहम्मद सैफी इतना बाल सीते थे मैं, वैसे आर्मी कट करा देते, बाल नहीं रख सकते। मेरे सर चरण सिंह जी थे आपने एमएलसी कर रखी है ना वहाँ, बस आपने लिखा है ना हमारी, मैं हमने शिकायत की थी और टीचर ने माफी मांगी है, समस्या का समाधान हो गया, अब हम इसमें कोई काम नहीं कर रहे हैं। वो पुलिस वाले कह रहे थे होल्ड कर देना, वो होल्ड कर रहा हूं वहां पे लेके गए भाई, नहीं पहले उन्होंने होल्ड कर लिया। वो लिखवा के गए हैं कि आप पहले यहां का मैटर निपट गया था वो मैं बात कर रही, वो दरअसल जब तक आप लिखते नहीं दोगे ना स्कूल में, स्कूल की तरफ से ही वो जाएगा वहाँ कि जी ये यहाँ हो गया है, समझौता आपस में हो गया, वहाँ कोई विवाद नहीं है और हम भी आपको कानूनी कार्रवाई नहीं चाहते और ये सब मांगे जाएंगे आपसे एक जगह बच्चे की अगर एमएलसी हो उसको लिखवाएंगे आपकी रोजी रोटी आपका जो हमारा तो ऐसा नहीं है। वो तो ऐसा पहले इन्होंने तो की नहीं, फिर असुचो वहाँ गए, वो कह रहे आईओ के बाद चले जाओ, वो असुचो एमएलसी बनाई थी उसने, उसने नहीं बाद में बनाई, बाद में अच्छा उस एमएलसी पर भी आने को टिकट देना पड़ेगा थाने में। हाँ ये हम ये एमएलसी पर कोई कार्रवाई नहीं चाहते, ये भी पहले तो एक बार बात करो। हाँ बात करो। देखो राजकुमार जी, हमारे टीचर ने इनसे सॉरी भी की है, माफी मांगी है, हम भी कह रहे हैं, तो जब हम दे के इनको कुछ लिख कर दे सकते हैं तो इनका भी तो हक बनता है कुछ, वो तो हम दे रहे हैं, देंगे, मना नहीं कर रहे। सर से बात कर रहे सर, तो बोल रहे ये का भी थोड़ा आपको ऐसा एहसास हुआ ना, कोई ऐसा हमारा बोलने का क्या नुकसान है? इन्होंने क्या मना किया जब समस्या का हल यहाँ करके जा रहे हैं? अगर आप नहीं आपको छोड़ा किसी का भी बुरा नहीं चाहते, किसी की भी रोजी रोटी तो हमारा मकसद है।
है ना, अगर हम नहीं आते ना तो आप फिर दोबारा यही कैसे इस मारे हमारे उसकी कोई दिक्कत नहीं दे देंगे। उन्होंने खुद बोला है पहले एक बार आपसे बात हो गई, बाकी देखे दुश्मनी तो है नहीं सर, बच्चा पढ़ता है, आप गुरु है हमारे बच्चे के। अच्छा वो स्कूल में जो कल वो विषय आया था बच्चे वाला आपके पास, प्रिंसिपल साहब के रूप में बैठे हैं सारे, वो वेरीफाई करके चाहिए, वो आपस में इन्होंने मास्टर जी ने भी उसको कह दिया भाई ठीक है मैं बच्चे को पढ़ा रहा था, अब गलती से मेरे को लग गया, मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूँ और भविष्य में भाई मैं भी ध्यान रखूँगा, मेरा बच्चा है ये और आज के बाद ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने भी उनको माफ़ कर दिया है। हाँ ये हैं लो बात करो, ये लिख कर दे देंगे प्रिंसिपल साहब को, वो आपको भिजवा देंगे, लो बात करो, बात करो पाजी 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 हाँ नहीं वो तो लिखी नहीं तो टेंशन नहीं बस टेंशन हाँ कल भी आए थे स्कूल में बातचीत मुझे भिजवा देना तो वो लिख के दे रहे हैं मेरे से जो भी गलती हुई है मैं चीन को मानता हूँ और आगे करना और बस मैंने भी नहीं की जगह तुम सहमत हो हाँ जी मैं हमारा वो मामला छोटा हो गया और उसको कार्रवाई नहीं चाहती बात ये चाहते हैं कि स्कूल के फेवर में दें तो मैं खाने के फेवर में दूँ या इनके फेवर में, मतलब ये जो चाहते हैं ना ये चाहते हैं कि स्कूल के फेवर में एक एप्लीकेशन दी जाए कि जो भी हमने कंप्लेंट वगैरह करी है तो रेट वो सारे हों। चलो ठीक है मैं आपकी आपके पास पहुँचा दूँगा इनसे मैं करूँगा लो दे दो एक पेन पेपर दे दो पेपर दे दो आईपीसी अच्छा ऐसा है ना प्रिंसिपल साहब उस पे साइन कर देंगे ना लो सर वही और उसको एसएचओ के नाम पे संबोधित करना है एसएचओ वहां थोड़ा देख सी। अरे तो कोई बात नहीं लिख दो ना ये भाई टीचर ने अपनी गलती मान ली टीचर ने लिख दो ठीक है वो पेन दे दीजिए भाई एसएचओ लिख देंगे प्रिंसिपल साहब लिख देंगे।